चलिए अब स्टडी करते हैं हम, ठीक है बेटा। तो आज हम करेंगे सब्जेक्ट हिंदी, और हिंदी में हमारी ई की वाक्य रचना है, जो हमारी छोटी ई इंग्लिश जिसको आप बोलते हो ई, उसकी मात्रा आगे से लगती है। तो उससे वाक्य से आपको आपको ई से मैंने शब्द सिखाए थे, ठीक है। अब शब्द का प्रयोग करते हुए हमने एक वाक्य की रचना की है, ठीक है बेटा। अब देखिए, वी पी लेफ्ट, विपिल अब उठ, दिन निकल आया। ओके बेटा, सॉरी बेटा, विपिल नहीं विपिन है। ओके, क्या है यहाँ पे? विपिन। चलिए, विपिन अब उठ, दिन निकल आया। तो ये वाक्य की रचना है ई की, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, इसको देख देख के राइट करना है। तो आप लिखेंगे, तब गोल गोल के लिखेंगे, लिखेंगे बी, और ये आगे से मात्रा लग रही है क्योंकि ये छोटी ही है ई इमली। वी पी ने, विपिन अब एंड अब उठ, ठहर। ऐसे आप जब लिख लिख लिखोगे और बोलते रहोगे ना लिखते लिखते, तो आपको पढ़ना भी आएगा अच्छे से। दी ने, दिन। ओके बेटा, नी आराम से आएगी। ओके, बाय बेटा।